बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सामईन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ताज नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। ज़ुबान है फ़ारसी, यानी इस नाम की इब्तदाई तारीख फ़ारसी ज़ुबान से निकलती है। जिन्स है लड़का, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल लड़कों के लिए किया जाता है। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल मुसलमानों में किया जाता है। ये नाम उर्दू और इंग्लिश दोनों में तीन हरूफ पर मुश्तमिल है। ताज नाम का मुमकिन तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उनमें सरफ़रिस्त है पाकिस्तान, नंबर दो पर है बांग्लादेश और नंबर तीन पर है इंडिया। ताज के मुख्तसर इंग्लिश मीनिंग है क्रॉन, उर्दू मायनी है शाही टोपी। ये नाम कुरान पाक में बराह रास्त मौजूद नहीं है, अलबत्ता मनासब मायनी होने की वजह से ये नाम मुसलमानों में आम इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका नाम भी ताज है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के लिए कोई भी नाम फाइनल करने से पहले अपने इमाम मस्जिद या किसी आलम दीन से मशवरा ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।